राम राम हरे हरे। तो पिछली बार हम लोगों ने चर्चा करी श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथपुरी में अति लोकप्रिय हो गए, जितने वहाँ के लोग थे वो सब मानने लगे कि यही सचल जगन्नाथ है। एक जगन्नाथ गर्भगृह में मंदिर के भीतर और एक ये हमारे चलते फिरते जगन्नाथ स्वयं भगवान ही हैं। और ऐसा भी चैतन्य भागवत में लिखा कि सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में जहाँ पे श्रीमन महाप्रभु रहते थे वहाँ बाहर इतनी भीड़ लगने लगी कि कुछ समय के बाद वहाँ की भूमि नजर आना बंद हो गई। इतने लोग यहाँ तक कि बोलते उनके आसपास जो वृक्ष थे उस वृक्ष पे भी पत्ते नहीं बंदे दिखाई देते। इतने व्यक्ति वृक्ष पे चढ़े हुए, ऐसे चढ़े हुए, वैसे चढ़े, मतलब जैसे मान लीजिए आज आपको पता लगे कि हमारे प्रदेश में, हमारे यहाँ पे हमारी कॉलोनी में भगवान आ गए और आप उनके दर्शन साक्षात कर सकते हो। भगवान के साक्षात, भगवान मतलब हमारी कल्पना के भी बाहर है कि हमें पता लगे जी आपके ये रजौरी गार्डन में भगवान आए हुए हैं, अभी कृष्ण आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो क्या हाल होगा वहाँ पे अगर पता लग जाए। तो बिल्कुल ऐसे ही जगन्नाथपुरी में उस समय हो गया कि भाई साक्षात भगवान आ गए और भगवान कुछ दिन के लिए बोलते वहाँ से बीच में से निकल के चले भी गए। चैतन्य भागवत में ऐसा लिखा है कि वो निकल के चले गए। फिर लोगों ने सार्वभौम भट्टाचार्य के काफ़ी हाथ पैर जोड़े क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपने घर के भीतर छुपा लिए और ये बोलते नहीं हैं कि भाई श्रीमन महाप्रभु अंदर हैं, शायद उन्हीं की आज्ञा से, क्योंकि बहुत लोग हो गए हैं। तो लोगों ने सोचा कि बाहर क्यों ना हरिनाम संकीर्तन किया जाए, हरिनाम संकीर्तन सुन के प्रभु भीतर बैठ नहीं पाएंगे। तो लोगों ने जोर से हरिनाम संकीर्तन शुरू किया तो एक दो व्यक्ति नहीं, लाखों व्यक्ति ने सार्वभौम भट्टाचार्य का घर घेर के हरिनाम प्रारंभ किया। सार्वभौम प्रभु रोते हुए आए, उन्होंने कहा भैया मुझे भी नहीं पता कहाँ चले गए हैं, मैं सच बोल रहा हूँ कि वो यहाँ पे नहीं है। पहले तो ऐसा होने लगा कि लोग एक एक करके सार्वभौम भट्टाचार्य के पास जाने लगे और उन्होंने बोला कि प्रभु मेरे को ले जाओ, मैं अकेला ही हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, बस मैं अंदर जाके ऐसे दर्शन करूँगा। और जब उनको भी सार्वभौम भट्टाचार्य ने मना किया भाई है ही नहीं, मैं कहाँ से लेके जाऊँगा, तो बोलते सार्वभौम भट्टाचार्य को लोग गालियाँ भी देने लगे कि भैया इसने जो है अब ये चौधरी हो गया, इसके घर में आ गए भगवान तो इसने छुपा लिया, ये करा वो करा। अंत में सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा मेरा घर खुला है, आप सब भीतर जा सकते हो, देख सकते हो, मगर कृपया करके आप में से कोई प्रतिनिधि बन के चले जाओ, अगर आप सारे घर के अंदर चले गए तो घर रहेगा नहीं, वो भी मैदान हो जाएगा। तो सब कुछ लोग भीतर गए, देखा नहीं है महाप्रभु। फिर कुछ दिन के बाद श्रीमन महाप्रभु वहाँ पे वापस आए और ये सिर्फ दो तीन दिन के लिए ऐसा हुआ। श्रीमन महाप्रभु वहाँ से वापस आए और एक दिन फिर श्रीमन महाप्रभु ने सबको जो उनके निकट के थे, करीब थे, सबको सार्वभौम भट्टाचार्य के घर अभी रह रहे हैं श्रीमन महाप्रभु, लेकिन ये जो सबको एकत्रित किया ये सार्वभौम भट्टाचार्य के घर नहीं किया, एक दिन सबको ऐसे ही एकत्रित किया, एक खुले मैदान में वहाँ पे बुलाया और श्रीमन महाप्रभु ने बोला निज गण आनी कहे विनय करिया आलिंगन करी सबय श्री हस्ते धरिया। श्रीमन महाप्रभु ने अपने निज गण को विनय करा, प्रार्थना करी अपने निज जन से, आलिंगन किया एक एक को, सबको बुला बुला के, क्योंकि अभी दो तीन दिन से गए हुए हैं सब लोग काफ़ी अधीर हो रहे थे, तो सबको बुला के सबको आलिंगन किया, सबके सिर पे हाथ धरा, सबको प्यार किया और प्यार करते हुए बोला तुमा सभा जानी आमी प्राण अधिका करी, आप सबसे मैं अपने प्राणों से भी ज़्यादा अधिक प्रेम करता हूँ, प्राण छोड़ जाए तोमा सभा छाड़ीते ना पारी, मैं अपने प्राण तो छोड़ सकता हूँ पर मैं आप सबको छोड़ नहीं सकता, इसलिए आप कभी ऐसा अधीर ना हुए कि भाई मैं आपको छोड़ के कहीं चला जाऊँगा, मैं आपको छोड़ के जा ही नहीं सकता, मैं अपने प्राण तो छोड़ सकता हूँ एक बार को लेकिन मैं आप सबको छोड़ के नहीं जा सकता। तोमा सभा जानी आमी प्राण अधिक करी प्राण छोड़ जाए तोमा सभा छोड़ी तो ना पारी। सब लोग की आंखों से अश्रु बहने लगे कि श्रीमन महाप्रभु हमसे इतना प्यार करते हैं, मगर कुछ जो निकट के जन थे उन लोगों के भीतर संदेह हुआ कि ये श्रीमन महाप्रभु जब इतना प्यार व्यक्त करते हैं तब कोई ना कोई बात होती है, ये जब व्यक्त करते हैं तो महाप्रभु फिर आगे बोले एबे सबा स्थाने मुनि मांगेन एक दाने
आप सबसे मैं एक दान मांगता हूँ, सबे मिली आज्ञा देहा यही व दक्षिणे, मैं दक्षिण की ओर, दक्षिण भारत की ओर यात्रा को जाना चाहता हूँ, सबे मिले आज्ञा देहा, आप सब मिलके मुझे आज्ञा दो कि मैं दक्षिण की ओर जाना चाहता हूँ। नित्यानंद प्रभु समझ गए, वो भीतर से जानते थे कि ये जो इतना सबको अपना प्रेम तो करते हैं पर जब व्यक्त कर रहे हैं तो व्यक्त प्रभु जो है वो एक हथियार की तरह करते हैं। भगवान अपना जब प्रेम दिखाते हैं, व्यक्त करने पे आ जाते हैं, तो जब शब्दों से व्यक्त करते हैं, भावों से, और वैसे तो हम देखते ही हैं कि कितना रेसिप्रोकेट भगवान करते हैं, पर जब शब्दों से भगवान बोलने पे आ जाए तो निकट के लोग थोड़ा संदेह करते हैं। जैसे हम आपस में घर में भी देखते हैं, परिवार में सबका एक दूसरे से प्रेम है, पर जब आई लव यू बोलने की बारी आ जाए तो इसका मतलब कोई जो ज़्यादा भी सेंटी हो रहा है, अब कोई बात होगी, तभी आज इतना प्रेम व्यक्त किया जा रहा है। तो नित्यानंद प्रभु कहे ऐसे कैसे है, ऐसे कैसे भाई, ये कैसे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे है, एकाकी आई भी तुम्हें के ही असहाय, मैं कैसे रहूंगा, मैं किसके सहारे रहूंगा, आपने ये कैसे अचानक से बोली, ये कौन सी नई बात कर दी आपने, उधर तो आप अपनी माता के साथ आपने प्रण लिया था कि मैं यहीं पे रहूंगा नीलाचल में, और अब अभी तो 2 महीने नहीं हुए और आप चलने की बात करने लगे। श्रीमद महाप्रभु ने कहा भाई देखो मैं यहीं रहूंगा, नीलाचल में ही रहूंगा, तुम गलत समझ रहे हो, मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं तो दक्षिण भारत को सिर्फ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पे दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। नित्यानंद प्रभु ने बोला आप मेरे से ये सब ना बोलो कि आपको कोई वहाँ पे दर्शन की अभिलाषा होगी या कुछ होगा, आप क्योंकि वो जानते हैं आप तो साक्षात हरि हो, आप क्या दर्शन की बात कर रहे हो कि दर्शन करने जाना। तो नित्यानंद प्रभु को श्रीमद् महाप्रभु ने बोला मेरे जो बड़े भ्राता हैं विश्वरूप, तुम तो जानते ही हो कि वो चले गए थे और फिर मैं नाम संकीर्तन आदि में चला गया, उसमें डूब गया, तो मैंने ढूंढा नहीं, तो अब मैं उन्हें दक्षिण भारत ढूंढना चाहता हूँ। और जबकि नित्यानंद प्रभु ये अच्छे से जानते हैं कि विश्वरूप जो है वो अपनी लीला समाप्त कर चुके हैं, अब विश्वरूप जी नहीं है, वो पुणे में जो डिटीज है ना, दिमाग से निकल गया मेरे, वो जाम जाने की बात कर रहे थे, वो नामदेव जी के वो पंडरपुर में, तो पंडरपुर में विश्वरूप जी ने अपना लीला समाप्त कर दी थी। ये सब जानते हैं, ये नित्यानंद प्रभु भी जानते हैं और नित्यानंद प्रभु को पता है कि महाप्रभु भी जानते हैं, पर अब क्योंकि सब इतने सब जन साथ में खड़े हैं और वो सबसे सबके सामने ये बोल रहे हैं कि मैं अपने भाई विश्वरूप को ढूंढने चाहता हूँ, तो नित्यानंद प्रभु चुप हो गए कि भाई ठीक है अब क्या बोलूँ। प्रभु कहे आमी नर्तक तुम्ही सूत्रधार, तुम्ही याई छे नचाओ ताई छे नर्तन हमारा। श्रीमन महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला कि देखो आमी नटक, मैं तो हूँ, मैं तो नट हूँ, और तुम्ही सूत्रधार, तुम्ही मेरी सूत्रधार हो, तुम मुझे नचाने वाले हो, तुम्ही याई छे नचाए ताई छे नर्तन आमार, तुम इतना परेशान मत हो, मैं तो तुम्हारे हाथ का ही खिलौना हूँ, तुम जैसे खिलाते हो वैसे खेलता हूँ। नित्यानंद प्रभु ने कहा जी, तो बोले अगर आपको कोई संदेह होता है तो आप देखो, जब मैंने संन्यास लिया था उस समय मैं वृंदावन जाना चाहता था और तुम मुझे अद्वैत आचार्य के घर ले गए, वहां से तुमने मुझे वृंदावन जाने नहीं दिया, क्या हुआ, चाहे मैं जाना कहीं और चाहता था लेकिन तुम चाहते थे कि मैं ना जाऊं, मैं अद्वैत आचार्य के घर जाऊं, तुम मुझे लेके अद्वैत आचार्य के घर चले गए, उसके बाद में थोड़ा आगे ही चला था तुमने मेरा त्रिदंड तोड़ दिया, बातें बहुत बनाई कि ऐसे होगा वैसे होगा, मैं तब क्या बोला, मैं कुछ भी नहीं बोला, जैसे तुमने किया, उसके ऊपर तुम हमारे साथ ये जो जगदानंद है, जो जगदानंद श्रीमान अभी और आगे लीला में काफ़ी आएंगे, तो ये जगदानंद जो है बोले ये चाहते हैं कि मैं खुल के इंद्रिय तृप्ति करूँ, यहाँ पे संन्यास लेने के बाद भी और कुछ ना करके केवल अपनी इंद्रियों की सेवा करूँ, और इसके डर से मुझे कुछ कुछ करनी पड़ जाती है, जैसे महाप्रभु अगर बोले कि मैं अल्प खाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो जगदानंद नहीं मानते थे, वो ला के देते ये भी खाओ ये भी खाओ ये भी खाओ, और नहीं तो वो नाराज हो जाते थे, ठीक है, और 3-3 दिन प्रभु से बात नहीं करते थे, तो बोलते भगवान ने श्रीमन महाप्रभु ने बोला कि मेरी इच्छा के विरुद्ध भी ये मेरे साथ जबरदस्ती करता है, और क्रोध मुझे आना चाहिए, ऊपर क्रोध इसको आता है, और फिर 3-3 दिन ये बात नहीं करता और फिर मुझे इसी की माननी पड़ती है, तो जिस तरीके से तुम मुझे नचा रहे हो मैं वैसे ही नाच रहा हूँ, मैं सन्यासी हूँ, सन्यासियों का
कोई नियम होता है, वो नियम मुझे पालन करना होता है, मुझे 3 बार स्नान करके गायत्री इत्यादि ये सब करना होता है, मगर ये मुकुंद जो है ये जब मैं नियमों का पालन करता हूँ या मैं कोई भी ऑस्टेरिटीज वगैरह ये सब जो तप आदि करता हूँ उनको देख के ये मुकुंद जो है ये नाराज हो जाता है। इस मुकुंद को इतना भी नहीं है कि मैं अगर सन्यासी हूँ तो कम से कम सन्यासियों की जो ड्यूटी है मैं वो तो करूँ, ये उससे भी मेरे से नाराज हो जाता है कि इससे अभी कोई बात नहीं है। और जब ये नाराज हो जाता है तो इसको दुखी देख के मेरा हृदय फिर और दुखी होता है। अब मैं क्या करूँ, जो एक सन्यासी को करना चाहिए क्या वो भी करना छोड़ दूँ मैं जो मैंने सन्यास वेश लिया है। और ये दामोदर जो है, ये स्वरूप दामोदर, ये दामोदर जो नहीं मिले हैं, हालांकि ये थे नवद्वीप में भी, लेकिन नवद्वीप में इनकी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, अब आगे क्योंकि इन्हीं की चर्चा होनी है साथ में। बोले ये ब्रह्मचारी हैं मगर ये मुझे ऐसे समझाते हैं जैसे ये सन्यासी हैं और मैं छोटा ब्रह्मचारी हूँ, अभी अभी इनसे सीखने के लिए आया हूँ। हमेशा इनके हाथ में समझो एक डंडा रहता है मुझे सिखाने के लिए कि ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और इनके सीखने से अगर मैं कुछ करूं तो मुकुंद नाराज हो जाता है कि आप इतना क्यों करते हो, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतने सारे, और साथ में फिर दामोदर पंडित भी एक हैं, वो बोलते हैं ये दामोदर पंडित भी जगदानंद की तरह ये चाहते हैं कि मैं दुनिया भर की इंद्रिय तृप्ति इनके साथ बैठ के करूं। अब मैं बेचारा गरीब सन्यासी, मैं क्या करूं, मैं अपने सन्यासी का पद संभालूं, मैं सन्यासी का कार्य करूं या तुम्हारे साथ रह के ब्रह्मचारी का कार्य करूं। एक व्यक्ति डंडा देता है, आपको ये शोभा नहीं देता, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको वैसा नहीं करना चाहिए, दूसरा जो है ये सब कराना, तो जो तुम कर रहे हो मैं तो वही कर रहा हूं, सबकी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करे जा रहा हूं। तो वृंदावन दास ठाकुर जी बोलते, और चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी ने भी बोला, गुणे दोष उदागर चले, श्रीमन महाप्रभु गुणे उनके दोष बताते हुए उनके गुण बता रहे हैं। असल में वो ये बताना चाहते हैं कि इनका मेरे से कितना प्रेम है, कि ये बाहर से कोई मेरे पे उंगली उठाए इसीलिए एक डंडा पकड़े रखते कि आप ऐसे करो ऐसे करो, कोई ये ना देख ले वो नहीं देख ले, और भीतर से जब मैं करने लगता हूँ तो भी इनके हृदय में पीड़ा होती है कि आप इतना तप क्यों करते हो, आप इतनी ऑस्टेरिटी क्यों करते हो, आपको ये सब नहीं करना चाहिए, समझ गए। तो ऐसे लग रहा है कि उनकी कंप्लेन कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि उनके दोष बता रहे हैं, लेकिन गुणे दोष उद्गार चले, बता रहे हैं उनके गुण लेकिन दोष रूप में बता रहे हैं, उनके आच्छादित कर दिए गुण दोष की तरह बताते हुए उनके बता असल में गुण ही रहे। तबे नित्यानंद कहे, ये आज्ञा तुमार दुख सुखा ये हाउक कर्तव्य आमार। ये हर शिष्य को, हर छोटे भाई को, पुत्र को ये बात सीखनी चाहिए जो नित्यानंद प्रभु ने बोली। तबे नित्यानंद कहे, ये आज्ञा तोमार दुख सुखा या हाउक कर्तव्य आमार, योर कमांड इज माय ऑर्डर, योर विश इज माय ऑर्डर। ये आज्ञा तोमार दुख सुख हाउक कर्तव्य आमार, आप जो बोलोगे वही मेरा कर्तव्य है, करना तो मुझे श्रीमन महाप्रभु वही है जैसे आप कहोगे, पर इस हृदय में बड़ी पीड़ा होगी अगर आप ऐसे हमें छोड़ के चले जाओगे, कुछ थोड़ा सा प्लानिंग में चेंजिंग लाओ, कुछ ऐसा कि हम 2-4 लोग आपके साथ चलें। अगर आप ऐसे कहते हो कि हम आपको कुछ नहीं बोले तो ठीक है, ये मुकुंद भी कुछ नहीं बोलेगा, ये दामोदर भी कुछ नहीं बोलेगा, ये छोड़ दो इनको भी, एक दास नित्यानंद को पीछे पीछे ले चलो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आपका कुमंडलू पकड़ के पीछे पीछे बस चलूँगा। कितनी बार संकीर्तन करते हुए आप तो अपनी सुदबुद्ध खो बैठते हो, कितने दिन हो जाएंगे आपको जब आप सुदबुद्ध खो बैठोगे, कोई तो ऐसा हो जो आपको प्रसाद पवा सके, आपके पीछे पीछे चल सके आपकी देख रेख के लिए, तो आप मुझे बस अपने पीछे पीछे ले चलो, बाकी कोई बात नहीं, बाकी सब और ये सब भी इसमें राजी हो जाएंगे अगर मैं चलूँ तो। लेकिन श्रीमन महाप्रभु उनकी बात को नहीं माने, उन्होंने बोला अच्छा हम दोबारा इस पे चर्चा करेंगे अभी, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, ये बात निश्चित तौर से तय है कि मैं अकेला ही जाऊँगा। अब नित्यानंद प्रभु उदास हुए, उन्होंने बोला आप ऐसा करो, आप अब सार्वभौम भट्टाचार्य जी से भी एक बार बात कर लो, भाई सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हो आप उन्हें नहीं बताओगे, उन्होंने बोला हाँ मैं उनको बताऊंगा, आप नहीं बताना मैं उन्हें अपने आप बताऊंगा। तो श्रीमन महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के पास गए और सार्वभौम भट्टाचार्य को बोला, तुमार थानी आइलान आज्ञा मांगी बारे। सार्वभौम भट्टाचार्य को बोला मैं आपसे एक आज्ञा लेना चाहता हूँ।
अब सार वो भट्टाचार्य भी घबरा गए, भाई ऐसा क्या है कि मेरे से आज्ञा लेनी पड़ रही है। तुम्हार थानी आइलन आज्ञा मांगी बारे, आज्ञा देहा अवश्य आमी दक्षिणे चली बह, तुम्हार आज्ञा ते सुखे लोई तो अशिबा। आप मेरे को आज्ञा दो कि मैं दक्षिण भारत जा सकूं, और आपकी अगर आज्ञा होगी तो मैं जल्दी से वहां से वापस लौट आऊंगा। तुम्हार आज्ञा ते सुखे लोईटी आशीर्वाद, सुखी से मैं लौट के वापस आशीर्वाद जल्दी से मैं आपके पास आ जाऊंगा। अब ये पूछने का एक टैक्टिक होता है। अब ये नहीं पूछ रहे हैं कि जाऊं कि ना जाऊं, उनसे बड़ा बड़ा आप आज्ञा दो ताकि मैं जल्दी से वापस आऊं। अगर हमारे कहीं ऑफिस वगैरह में किसी को लड़के को भी कहीं जाना होता है ना, तो वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं जाऊं, वो बोले मैं 5 मिनट में आया। मैंने कहा भाई तो पहले ये बता तू जा कहाँ रहा है। लेकिन तरीका यही होता है पूछने का, अगर पता है कि जाने नहीं देंगे तो वो क्या बोले मैं बस 10 मिनट में आया, मैं बस 10 मिनट में आया। तो श्रीमन महाप्रभु से ही प्रथा चलती आ रही है ये भी बोलने की। तुम्हार आज्ञा थे सुखे लौटी आशीर्वाद, अगर आप आगे तो मैं जल्दी से मैं लौट के आऊंगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला आप बात कर क्या रहे हो, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप कहाँ जाना चाह रहे हो, आप क्यों जाना चाह रहे हो, किस लिए आपको जाना है, क्या है? बोले दक्षिण भारत की ओर जाना है बस, फटाफट से जल्दी से। प्रभु आप दक्षिण भारत पहले गए हो? नहीं, दक्षिण भारत छोटा नहीं है, दक्षिण भारत बहुत बड़ा है। आप जितनी जल्दी लौटने की बात करें उतनी जल्दी तो आप दक्षिण भारत पहुंच नहीं पाओगे, दक्षिण भारत बहुत दूर है। अब पहले कोई हवाई ट्रेन तो है नहीं, पैदल ही जाना है। आप एकांत में नहीं जा सकते, अकेले में नहीं जा सकते, आपको कोई साथ में चाहिए। या तो आप मुझे आज्ञा दो दास आपके साथ साथ पीछे पीछे। बोले नहीं 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 नहीं, आप नहीं जाओगे, आप यहीं पर सब संभालो, आपके तो बड़े अनुयायी हैं सबको। बोले मेरी को किसी को नहीं देखना है, आप बोलो मैं आपके साथ साथ चलूंगा, नहीं तो 2-3 लोग आपके साथ कम से कम होने चाहिए। उन्होंने बोला नहीं, सार्वभौम भट्टाचार्य। तो जब सार्वभौम भट्टाचार्य को उन्होंने मना किया, सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा सिरे वज्र पड़े यदि पुत्र मारी आए, तहां सही तुम्हार विच्छेद सहन ना आए। बहुत बड़ी बात सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोली। उन्होंने बोला मेरे सिर पे आपने ऐसा वज्र मार दिया है कि यदि मेरा पुत्र भी मर जाए मैं सहन कर पाऊंगा, हो सकता है मैं सहन कर जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है। पुत्र मरी आए तहां सही तुम्हार विच्छेद सहन न आए। अब प्रभु जो आप मुझे मिल गए हो, अब ये दास आपका विच्छेद सहन नहीं कर पाएगा। जो मर्जी चला जाए, जो मर्जी मर जाए, मेरी पत्नी मर जाए, मेरे बच्चे मर जाए, मैं एक बार को सहन कर जाऊंगा, कोई समस्या नहीं है। पर ये जो आप बोल रहे हो ये मेरे सहन करने लायक नहीं है, ये देह रहेगा नहीं, ये छूट जाएगा अगर आप इस तरीके की बातें करोगे तो। और जब श्रीमन महाप्रभु ने ये सुना तो उन्होंने कहा अब एकदम से तो जाया नहीं जाएगा। तो उन्होंने बोला अच्छा अभी नहीं जा रहा हूँ, अभी तो हूँ, आपको बता रहा हूँ अभी चलेंगे। ये भी एक ट्रिक है, जब नवद्वीप से भी निकले थे तो ऐसे ही किया था उन्होंने, 1 साल पहले भूमिका बनानी शुरू कर दी थी जब संन्यास लेना था, पहले ही बोल दिया सबको। अब सब थोड़े थोड़े अब दुखी तो हुए, मगर वो क्या है वो दुख खत्म हो जाता है जब देखते हैं कि अच्छा भी यहाँ ही है, भूल गए। और जब भूल गए तो निकल गए और बोल दिया कि भाई मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तो जानेंगे, मैं तो आज्ञा लेके आप सबसे आया हूँ। तो अब धीरे धीरे समझ में आ रही ना महाप्रभु की ट्रिक्स भी। तो अच्छा अच्छा अभी तो यहीं हूँ, अभी कोई बात नहीं, अभी तो यहीं हूँ। जब इतनी बड़ी बात कोई बोल दे तो क्या बोल सकते, तो बोले अभी हूँ, अभी यहीं हूँ, अभी तो 2-4-5 दिन अभी सब यहीं हूँ, यहाँ पे साथ में। तो भट्टाचार्य की जो सार्वभौम भट्टाचार्य की जो पत्नी थी सती माता, उनको उन्होंने बोला कि आप प्रभु को अच्छे से प्रसाद नहीं पवा रही हो, ये तो यहाँ से जाने के चक्कर में है। उस दिन से बोलते साथी माता ने भी इतना ज़्यादा ज़्यादा प्रसाद घर में बनाना शुरू किया कि आप यहीं रहो, आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जैसे चाहिए, अब हम बिल्कुल आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आप प्रसाद लेके जाइए, मैं आपको खाने को भी नहीं बोलूँगी, कुछ नहीं बोलूँगी, मगर आप यहीं रहिए, आप जाने की बात नहीं कीजिए। इतने में वहाँ नवद्वीप में डोल यात्रा प्रारंभ हो गई। वो डोल यात्रा भी 5-6 दिन की होती है, तो वो 5-6 दिन अब प्रभु वहीं रुक गए। वो जो डोल यात्रा है, डोल यात्रा में क्या होता है, जो आसपास के ओडिशा का ही एक फेस्टिवल है ओडिशा, और उसमें जितने आसपास के श्री विष्णु और गोपीनाथ भगवान कृष्ण के जितने स्वरूप हैं उन सब स्वरूपों को
सब मंदिर वाले जो हैं सब एक एक विमान में लेके, मतलब एक वो पालकी लेके जिसको विमान बोला जाता है उसमें, तो वो उस विमान को सजाया जाता है, उस पालकी को सजाया जाता है, और सब जगह से लोग जो हैं, ये होली के समय आता है, होली में ये कोइंसाइड होता है, ये फेस्टिवल जो है होली से 5 दिन पहले शुरू हो जाता है, दशमी से पूर्णिमा तक। तो उस दिन जब पूर्णिमा पे होली होती है और पूर्णिमा से पहले दशमी से शुरू हो गया, तो 10 से 15 के बीच में ये 5-6 दिन का फेस्टिवल होता है, सब लोग लेके आते हैं और सब लोगों में एक हेल्दी कंपटीशन होता है कि किसका विमान सबसे ज़्यादा सुंदर सजा हुआ है, और एक ही जगह लेके आते हैं सब, और फिर वहाँ पे झूलन यात्रा भी होती है, वहाँ पे झूला झुलाया जाता है भगवान श्री कृष्ण को, तो इसको डोल यात्रा बोलते हैं, डोल यात्रा। तो वो डोल यात्रा में सारे दूर दूर से सब आए, वो डोल यात्रा श्रीमद् महाप्रभु ने भी अटेंड करा, सब वो किया, और फिर एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य को लेके गए और श्रीमद् महाप्रभु ने बोला अच्छा चलो एक बार जगन्नाथ जी से भी आज्ञा ले ले जाने के लिए, अभी उनसे तो चर्चा ही नहीं हुई तो जगन्नाथ जी से भी पूछ लूँगी मैं चले। तो बोलते श्रीमद् महाप्रभु ने जैसे ही जगन्नाथ जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि मैं कुछ दिन के लिए दक्षिण भारत जाना चाहता हूँ, तो जैसे ही जगन्नाथ जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी तो वहीं बोलते जगन्नाथ जी का जो हार है वो हार गिर गया, और वहाँ के जो पुजारी हैं वो हार श्रीमद् महाप्रभु के पास ले आए, अपने आप से ऐसा हुआ कि उन्होंने प्रार्थना करी और वो हार लेके आ गए। तो श्रीमद् महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को बोला शायद जगन्नाथ जी ने मेरी प्रार्थना जो है वो एक्सेप्ट कर ली, और सार्वभौम भट्टाचार्य को भी बिल्कुल ऐसा ही लगा, क्योंकि हुआ ही ऐसे कि उन्हें बोला मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना करी और वहाँ से हार गिरा, और अचानक से वो हार भी वो इन्हीं के पास लेके आ गया। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरी आज्ञा को मान लिया, अब आप भी मानो, मैं जल्दी से आऊँगा। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा प्रभु अच्छा देखो मैं आपका हट तो जानता हूँ, आप किस प्रकार हट करते हो, आप किस प्रकार वहाँ से नीलाचल से यहाँ आए हो, ये भी खूब सुना मैंने सबसे, आप मेरी एक बात मानो, आप अकेले मत जाओ, आप अगर हम में से किसी को नहीं लेके जाना चाहते तो एक कृष्णदास नाम के ये ब्राह्मण है, आप इनको साथ में ले जाओ। अभी कृष्णदास ब्राह्मण जी का भी बड़ा अहम भूमिका है। अब श्रीमद् महाप्रभु लगभग 2-2.5 साल दक्षिण भारत में रहेंगे, ये जो बोल रहे हैं कि बस अभी आया, तो 2-2.5 साल कृष्णदास जी उनके साथ रहे, और जो दक्षिण भारत की सारी लीलाएं और खासकर रमानंद राय संवाद ये सारा कृष्णदास जी ने बताया बाद में, जो ये कंपाइल कर पाए फिर हम कविराज गोस्वामी इत्यादि सब जो कंपाइल कर पाए, तो कृष्णदास क्योंकि और कोई था ही नहीं उनकी लीला बताने के लिए, तो कृष्णदास कविराज जी ने कृष्णदास जी ने सारा बताया उस समय। तो उन्होंने बोला आप कृष्णदास जी को साथ ले जाइए, कम से कम एक आध आपका वस्त्र वगैरह सब साथ लेके, कोई तो साथ आपको चाहिए। तो श्रीमद् महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को मना नहीं कर पाए, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है अगर आप ऐसा करते हो तो यहाँ से लेके चलेंगे। वहाँ से श्रीमद् महाप्रभु जब निकले तो सबसे पहले आता है अलालनाथ। जब वहाँ से निकले अलालनाथ, आजकल अब कल से तो फिर जगन्नाथ जी के दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे, कल नेत्रोत्सव है, वास्तव में कल नेत्रोत्सव है। तो अभी जो ये 15 दिन अनवसर जिसको बोलते हैं, अनवसर इसलिए कि उस 15 दिन अब जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं होते, ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ जी को कोल्ड हो गया, जुकाम हो गया, और जगन्नाथ जी का उस समय श्रृंगार भी हो रहा होता है, अब जब नव दर्शन होंगे तो बिल्कुल नए श्रृंगार हो रहा होता है जगन्नाथ जी का। तो और परसों है रथ यात्रा, फिर परसों रथ यात्रा है, तो कल नेत्रोत्सव है, कल अब जगन्नाथ जी, और कल गुंडीचा मार्जिन भी है। तो ये जो 15 दिन, जो इस 15 दिन में जब जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं होते तो उस 15 दिन सब अलालनाथ जाते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि इस 15 दिन यहाँ पे दर्शन नहीं होते। तो वो वैसे वो अनवरनाथ है, अनवरनाथ अब अलालनाथ बोलते, प्रारंभ से अनवरनाथ हैं, और ब्रह्मा जी के विग्रह हैं ये, जो वहाँ पे विष्णु स्वरूप में जो है अलालनाथ में, वो ब्रह्मा जी के विग्रह हैं। ब्रह्मा जी से फिर आगे 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 पुजारियों के पास से आए जो उनकी पूजा करते थे, और बोलते एक पुजारी जो हैं, मैंने जैसे पहले भी चर्चा करी थी कि अलालनाथ जी को अगर हम ध्यान से देखें और पुजारी जी से भी अगर रिक्वेस्ट वहाँ पे जाके करें तो वो दर्शन कराते हैं। अलालनाथ जी के होठ यहाँ से सफ़ेद एक छाला पड़ा हुआ है उनके होठ पे, और वो सफ़ेद रंग का हो गया है, तो
वहाँ पे अगर पूछा जाए तो वो सुनाते भी हैं वहाँ पे यही कथा। अलालनाथ जी जो हैं ये भगवान ब्रह्मा जी के विग्रह हैं, ब्रह्मा जी मतलब इनकी सेवा पूजा इत्यादि किया करते थे। उसके बाद से वो जब आए तो बोलते एक पुजारी जी के पास जिनके पास इनकी सेवा थी अलालनाथ जी की, उन पुजारी जी को एक दिन किसी काम से जाना था तो उन्होंने अपने पुत्र को ये सेवा सौंप दी। उन्होंने कहा अलालनाथ जी को खीर का भोग लगता है आज भी, तब से लेके ब्रह्मा जी से लेके अभी तक उनको खीर का भोग लगाया जाता है, उन्हें खीर बहुत पसंद है। तो उन्होंने अपने पुत्र को बोला जो पुजारी जी थे कि बेटा आज तुम भोग लगा देना, हमें किसी कार्य से जाना है, शाम को मैं आ जाऊँगा। पुत्र बोला हाँ हाँ भाई लगा दूँगा पिता जी, कोई बात नहीं। अब उन्होंने जो है गरम गरम खीर जो थी वो पुत्र जब बना रहे थे तो वो गरम गरम लेके उसमें उन्होंने तुलसी का पत्र डाला। अब ये बड़ी ध्यान रखने की बात है हम सब के लिए भी, और ख़ासकर मेरे घर में जो रहते हैं उनके लिए भी जो सालों से नहीं समझ पाते, कि जब भी किसी चीज़ में तुलसी पत्र चला गया तो आप मंत्र बोलो कि नहीं बोलो, वो ऐसा माना जाता है वो भोग लग गया। अगर तुलसी पत्र किसी चीज़ में आपने गिरा दी, इसलिए हम राधा कुंड में भी एक बार देखा था ना, अगर आप कोई चीज़ ले जा रहे हो भोग लगाने के लिए और वो बाई चांस तुलसी से स्पर्श हो गई, तुलसी के पौधे से स्पर्श हो गई, वो बोलेंगे अब ये सब भोग लग गया, अब नहीं भोग लग सकता, समझ अब अमन ही नहीं रहा है, अब ये प्रसाद हो गया। कैसे प्रसाद हो गया? क्योंकि भगवान तुलसी का पत्र उसमें आते ही वो भगवान उसको पा लेते हैं। तो इसीलिए गरम गरम चीज में तुलसी नहीं डालनी चाहिए। सब्जी बहुत गर्म है, बहुत गर्म भगवान को भोग नहीं लगानी चाहिए। मैं हजारों बार ये बात बता चुका हूँ कि एक बार हम एक सिद्ध संत से भी मिलने गए थे वृंदावन में, और उनसे हमने बोला आप कुछ बताइए, कुछ अपना अनुभव बताइए। तो न जाने कौन सी लीला उनके भीतर उस समय चल रही थी, उन्होंने बोला बस ठाकुर जी को गर्म दूध भोग मत लगाना, गर्म गर्म दूध भोग मत लगाना, ठंडा करके, बहुत कोमल है, बहुत कोमल है, उनको गर्म चीज़ भोग में। अब उनके उस समय कोई लीला चल रही होगी, तो हमने अनुभव पूछना चाहा, उन्होंने यही बात बोली, और उसके बावजूद रोज गरम गरम सब्जी दी जाती है ठाकुर जी को, एकदम गरम, मतलब ऐसे कि आप कटोरी नहीं पकड़ सकते एक मिनट के लिए। तो खास ध्यान रखना चाहिए, गरम चीज में तुलसी डाल ही नहीं सकते, पहले ठंडा करना होगा। तो उन पुजारी जी के जो बेटे थे उन्होंने उसमें तुलसी गरम गरम खीर में डाल दी। इतने में उनके मित्र आ गए और उन्होंने बोला चल भाई चल चल चल, खेलने का समय हो गया। उसने कहा एक मिनट रुको भाई, ये तो बाबा ने बोला था भोग लगाना है, तो फटाफट से मैं भोग लगाता हूँ। उन्होंने गरम गरम उसमें खीर में कहा ठाकुर जी जल्दी जल्दी से आओ, जल्दी पाओ, मेरे मित्र आ गए, मेरे को खेलने को जाना है। अब सामने रख दी, भोग लग रहा है, और ठाकुर जी जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, वो आए नहीं। उन्होंने उनका जैसे उतरिया पकड़ के, ठाकुर जी का दुपट्टा पकड़ के खींचा, भैया जल्दी खा लो, मेरे दोस्त आ गए, मेरे को खेलने को जाना है, तो तुम तो इतना नखरे करते हो जल्दी से। अब बस इतनी सी बात से बोलते वो ठाकुर जी प्रकट हो गए वहीं से, न जाने किस बात से रीझ जाए। तो और किस बात से क्या, ये तो स्पष्ट ही पता लगता है कई कथाओं से, कि जब हम भगवान को विग्रह नहीं मानते, मूर्ति नहीं मानते, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। और मूर्ति बोलना ये तो बोलते ऐसा अपराध है। अगर आपने बोल दिया बड़ी सुंदर मूर्ति है, तो बोलते आपके पिछले एक साल की जो ड्यूटी वर्शिप है वो सारी कैंसिल हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, आपकी एक साल की सेवा खत्म हो जाती है। अगर आपने कहीं बोल दिया कि ये मूर्ति बड़ी सुंदर है, अगर मूर्ति बोल दिया, अपराध है ये, इतना अपराध है, एक साल का आपका सारा सेवा फिनिश, ये शास्त्रों में लिखा है। अब मान लीजिए हम हमारे घर कोई आए और हमारा बच्चा सोया हो और कोई बोल दे वो आपके बच्चे की बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई जीवित व्यक्ति को बॉडी बोल रहा है, हम हमारा होता है ना, जैसे ही कोई व्यक्ति मर गया उसी समय हम उसको बॉडी बुलाना शुरू कर देते हैं, चाहे कितना अपना हो, अभी तक नाम ले लेके बोल रहे हैं, पर जैसे ही वो मरा ऐसे बोलते हैं उसकी बॉडी बढ़ी है। तो अपना बच्चा सो रहा हो और कोई बोले कि आपके बच्चे की बॉडी बड़ी सुंदर है, आपके बच्चे की ये बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, तो खुंदक आएगी कि नहीं आएगी कि भाई बॉडी बॉडी क्या बुला रहा है? तो ऐसे ही भगवान को मूर्ति बुलाना, भगवान को बस ऐसे समझना कि ये तो फटाफट से जल्दी करो डीटी को उठाओ, फटाफट जल्दी डीटी थैले में डालो, ये सब हमारा होता है, फटाफट गिरिराज जी को टोकरी में लो जल्दी चले, भाई ठाकुर जी है ना टोकरी में लेके चलो, ये कोई बात थोड़ी होता है, ठाकुर जी को विराजमान करो।
गिरिराज जी को विराजमान करो, चलो गिरिराज जी को साथ लेके चले। कहाँ आए हैं ये? राधा गोविंद जी हैं, राधा गोविंद जी बैठे हैं, राधा गोविंद जी विराजमान है। इस प्रकार से बोलना चाहिए, राधा जी को सुला दे, गोविंद जी को सुला दे, गिरिराज जी को सुला दे। तो इस प्रकार से, और ये है, यही है, भगवान है, साक्षात भगवान है। भगवान कौन है, भगवान क्या है? आपने जिसमें, आपने कुत्ते में दर्शन किए, भगवान कुत्ते में प्रकट हो गए, समझ गए? और फिर ये तो साक्षात भगवान है, ये तो शास्त्रों में लिखा है कि विग्रह स्वरूप में मैं ही आया हूं कलियुग में, तो खासकर इन्हीं की सेवा है। और आगे अभी और सुनेंगे इनकी, अभी मैंने पीछे एक गौरनिताई जी की तो सुनाई थी, गौरीदास पंडित जी के माध्यम से भगवान ने लीला करके, आगे भी और आएगी, शायद आज ही आ जाएगा, समय मिले तो। क्या है तो 10:20 है, तो ठीक है 10-15 मिनट और ले लेते। तो मूर्ति नहीं समझना चाहिए, शिला नहीं समझना चाहिए, नहीं तो आपकी सेवा सारी नष्ट हो गई पिछली जो की हुई। भगवान है, साक्षात है। तो और यही उदाहरण है कि अब उन्होंने खिलाया वो फटाफट से। और भगवान की लीला देखो, वृंदावन में जब उनके सखा आवाज लगा रहे हैं कि आओ आओ कन्हैया, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, तो अपना मुंह खोल के सबरी आग ले ली मुंह में, तो ना पड़ा एक भी छाला। और यहाँ गरम खीर खा ली एक चम्मच तो पड़ गए छाला, और उस छाले को डिस्प्ले में लगा के आज तक मुँह रहे भैया आपके, आप गरम खीर खाओ छाला पड़ जाए, कितने दिन में ठीक हो जाएगा भाई? 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप ठाकुर जी, और वो सदियों से बैठे हो और वो छाला लिए चमकाए बैठे हो कि भैया ये सफ़ेद रंग का हमारा होटे। तो अपने भक्त की कीर्ति बढ़ाने के लिए बस, कि उसके कहने पे मैं आ गया था, वो कीर्ति बढ़ाने के लिए, और किसी लिए नहीं। और देखा जाए तो मैं छाला पढ़ भी नहीं सकता, पर अपने भक्त की कीर्ति ये व्यक्त करने के लिए मैं यहाँ ही हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे जैसा हूँ। तो वो आज भी इसीलिए वो छाला है। तो अलालनाथ में श्रीमन महाप्रभु आए, श्रीमन महाप्रभु ने वहाँ दर्शन करे, फिर उसके बाद दर्शन करने के बाद पीछे सार्वभौम भट्टाचार्य, नित्यानंद प्रभु, मुकुंद प्रभु, सब एकत्रित होकर आ गए। अरे प्रभु अभी आप यहाँ ही हो, हम तो दर्शन करने आए थे लालनाथ जी। अच्छा अच्छा आप यहीं, चलो कोई बात नहीं, यहीं मिलजुल के थोड़े दिन रहते फिर यहाँ से चलना। वो रात को बोलते सब उनके साथ सोए, सुबह सुबह उठ के श्रीमन महाप्रभु एकदम 3 बजे गायब। अब उसके बाद किसी को नहीं पता, कभी वो जो कृष्णदास थे साथ में उनको पकड़ के उठा के ले गए प्रभु, बेटा चलो तुम साथ चलो। और प्रधान रूप से जो अब जहाँ जहाँ श्रीमन महाप्रभु जब जब जिस जिस टूर पे जाएंगे ना, तो वहाँ वहाँ उनका एक कीर्तन है, फिर उन उस टूर पे वो वही कीर्तन करते गए। तो इस बारी जो जो हमने पिछली बार किया था, मुझे लगा था पिछली बार ये चर्चा यहाँ तक आ जाएगी, तो कृष्ण 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 हे कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव वाही माम राम राघव राम राघव राम राघव तो रक्षा माम। तो ये वाला जो कीर्तन है, ये दक्षिण भारत में जब श्रीमन महाप्रभु ने यात्रा करी तो यही कीर्तन करते हुए गए सब गांव में, सब जगह दक्षिण भारत में यही कीर्तन है। और दक्षिण भारत, जैसे मैं पिछली बारी भी बाई चांस यही चर्चा कर रहा था कि दक्षिण भारत में जो श्रीमन महाप्रभु गए और जो वहाँ उस समय प्रचार हुआ, आज भी वो विजिबल है वहाँ पे दक्षिण भारत में। हम साउथ इंडिया में अगर देखें तो आज भी ऐसे ऐसे मंदिर हैं साउथ इंडिया में, इतने बड़े बड़े कि आज भी वो जो रंगम मंदिर है साउथ इंडिया में, वो सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा वर्ल्ड का, इतना बड़ा मंदिर है वो रंगम मंदिर। क्यों? क्योंकि वहाँ कभी मंदिर टूटे नहीं, वहाँ से कभी विग्रह लेके नहीं गए कोई, उठा के लेके नहीं भागे, वहाँ कभी वो पोचे ही नहीं। ये सब लोग जो हैं ये अफगानिस्तान पाकिस्तान से यहाँ से सब आते थे और ये दिल्ली यूपी तक ज़्यादा से ज़्यादा जा पाए, वो वहीं पे बड़ा सामान मिल जाता था उन्हें तोड़ फाड़ करने के लिए, वो बेचारे आगे जा ही नहीं पाते। एक तो साउथ इंडिया दूर भी है और दूसरा वो एक क्रेन आती है ना तो उसकी कैपेसिटी होती है 6-7 स्कूटरी लेके जा पाएगी, तो वो अपनी कैपेसिटी जितना तो तोड़ फाड़ कर लेते थे, उससे ज़्यादा उनकी कैपेसिटी भी नहीं, तो वहीं से वापस हो जाते थे। यूपी तो भरा हुआ है, तो अयोध्या भी यूपी में, मथुरा और वृंदावन भी यूपी में है, तो वहीं तक आके सब कुछ कर करके सारे मंदिर तोड़ फाड़ के वो लोग निकल लेते थे। तो इसीलिए जो वहाँ का साउथ इंडिया के जो मंदिर वगैरह ये सब हैं वो बड़े सिक्योर्ड हैं अभी भी वहीं पे, और वहाँ का कल्चर भी बड़ा रिच है। अब आप अगर वहाँ देखो तो जैसे ये चिदंबरम वगैरह ये सब भी जो मिनिस्ट्री में आए, तो आप देखो हमेशा धोती में, चाहे बहुत बड़ा गबन करके लेकिन धोती में, मतलब कल्चर ही ऐसा है, ड्रेस ही ऐसी है। बड़े से बड़ा अफसर, बड़े से बड़ा मंत्री, बड़े से बड़े सीईओज भी अगर अपने ऑफिस में जाते हैं तो धोती पहन के जाते हैं,
ऊपर शर्ट पहन लेंगे, नीचे धोती, तो धोती पहन। और माताएं जो हैं वो 5-7% आपको कोई सूट में दिख जाएगी, वो फॉरनर लगेगी वहाँ पर, बाकी सब साड़ी में, साड़ी और पीछे वो फूलों का वो यही वाले फूलों का ये पीछे जूड़े में लगा के, और तिलक जरूर लगाया होगा, तुलसी जरूर देखोगे आप, रंगोली जरूर देखोगे उनके घर के बाहर, तो वो सब कलश वगैरह जो रखे जाते हैं वो जरूर देखोगे, तो केले के पत्ते से वो सजावट, बंधन बार, ये सब सुन के साउथ इंडिया याद आ जाता है ना, तो ये देखो ये सब हमारा कल्चर है। बहुत ये देख बहुत रिच कल्चर जो हमारा एक्चुअल में कल्चर होना चाहिए वो वहाँ है, अभी भी है, वो हैबिट है उनकी, वो ऐसे ही चलेंगे साउथ इंडिया में। तो सबसे पहले श्रीमन महाप्रभु फिर वहाँ चले, 10 दिन चलते चलते ये संकीर्तन करते हुए वन के रास्ते से वो कूर्मा देश में वहाँ पहुँचे, और वहाँ पे कूर्मा भगवान की आकृति भी है, मंदिर भी है, और वहीं पे श्रीमन महाप्रभु ने जब मंदिर के दर्शन किए, बहुत सुंदर संकीर्तन किया, तो वहाँ पे एक कूर्मा ब्राह्मण भी रहते थे, वो भी बड़ा अच्छा बड़ा मंदिर है, उसकी परिक्रमा करने में घंटा लग जाता है, तो वहाँ कूर्मा ब्राह्मण एक रहते थे, वो कूर्मा ब्राह्मण देख रहे थे कि भाई श्रीमन महाप्रभु जिस तरीके से कीर्तन कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, उन्होंने उनको देख के आया और बोला आप प्रभु यहाँ के नहीं हैं, आप बाहर से आए हैं। उन्होंने कहा हाँ हम अभी यहाँ के नहीं हैं, बाहर से आए, आप अगर दास पे कृपा करें तो आप प्रसाद मेरे घर पे पाइए, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये सब करता हूँ, ऐसे करता हूँ। श्रीमन महाप्रभु हाँ हाँ चलो चलो, वो तो आपको देख के ही पता, अब वैष्णव को देख के ही पता लग जाता है भाई कंठी है, ये है, माला है, सब हाँ हाँ चलो आपके साथ प्रसाद पालेंगे। उनको लेके गए वहाँ पे, बोलते वहाँ उन्होंने प्रसाद पाया, प्रसाद के बाद वहाँ संकीर्तन किया, अलौकिक संकीर्तन श्रीमन महाप्रभु का होता है, जब संकीर्तन होता तो सब लोग सबरे लोग इकट्ठे हो जाते, वो बोलते वहाँ उस प्रदेश के जितने लोग थे वो सब आके इकट्ठे हो गए, बड़ा जोरदार रात को संकीर्तन हुआ, रात को संकीर्तन हुआ, और रात रात में जब सब वाइंड अप हुआ, 2:30 बजे 3 बजे श्रीमन महाप्रभु उठ के निकल लिए वहाँ से। अब सुबह जब वो कूर्मा ब्राह्मण उठे, वो अपना तो माथा पीट है कि भैया वो कहाँ चले गए, कल तो इतना आनंद हुआ, सब हुआ, बस इतनी देर के लिए कृपा करी दास पे, अभी तो आए थे, और पूरे शहर में बात फैल गई, भैया वो तो साक्षात भगवान थे, वो तो साक्षात कृष्ण थे, ऐसा संकीर्तन, ऐसा, अरे पत्थर के भी आंसू निकल आए। वहीं पे एक कोड़ी वासुदेव रहता था, कोड़ी मतलब उनको कोड़ का रोग था, बहुत भारी कुष्ठ रोग था, क्या बोलते उसको, लेप्रोसी, तो कुष्ठ रोग, जगह जगह जखम, सब पस निकल रही है, उसमें से कीड़े पड़े हुए हैं उसमें, इस प्रकार का उन्हें पता लगा। तो धीरे 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 सुबह कूर्मा ब्राह्मण के घर पहुँचे, और कूर्मा ब्राह्मण को बोला विप्रवर आपके घर तो साक्षात भगवान आए, उनके दर्शन कर सकता हूँ क्या, दूर से ही देखूंगा, बस मैं पास नहीं आऊँगा। उन्होंने कहा अरे आप किस दुर्भाग्य से पूछे हो, आप कल नहीं आए थे क्या। उसने कहा मैं तो, क्योंकि मुझे इतना रोग है तो मैं सोचा कि इतनी भीड़ में मैं ना जाऊं, सब लोगों का खराब होगा, मैं इसलिए सुबह आया। बोले वो तो चले गए, हमें पता ही नहीं चला, वो तो रात को चले गए। हाय हाय करके रोने लगे वो, अरे कितना दुर्भाग्यशाली हूँ मैं, साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे थे, सबको दर्शन हो गए भगवान के, और भगवान मेरे को बिना मिले चले गए, अरे मैंने ऐसा क्या किया था, गरीब का भाग्य भी गरीब ही होता है। और हाय हाय करके जब जोर जोर से बोलते रोने लगे, तो उनके जो रोग था, जो जहाँ से पस वाद आदि निकल रहा था सब, उसमें कीड़े पड़े हुए थे, वो कीड़े नीचे गिर गए, ऐसे कीड़े झड़ रहे हैं उनके रोने से, और बोलते जो कीड़े झड़ते तो रोते रोते वो कीड़ों को उठा के वापस अपने जख्मों पर डाल लेते, जो कीड़े नीचे गिरते उन कीड़ों को वापस उठा के जख्म पर डाल लेते। कूर्मा ब्राह्मण ने बोला ये आप क्या कर रहे हो, आपको पीड़ा नहीं हो रही, आप वापस उठा के। बोले अरे ये मेरी तो संतान है, मेरे रोग की तो संतान है, मेरा ही तो खून पी पी के बेचारे बड़े हुए हैं, न जाने किस गलती की मुझे सजा ये मिल रही है, अब फिर गलती करूं कि इन बेचारों को, इनका खाना इनसे छीन लूं, इनका क्या कसूर है, उठा के सारे वो भी अपने ऊपर रख लेते, और जोर जोर की रोने लगे कि साक्षात भगवान आए थे, साक्षात हरि आए थे, और मैं मिल नहीं पाया, अरे एक बार तो इस अभागे को दर्शन दे जाते। श्रीमन महाप्रभु उस समय लगभग 10 कोस दूर जा चुके थे, क्योंकि वो तो रात में ही निकल गए थे,
वहीं से अचानक उन्होंने कृष्णदास जी को बोला चलो वापस वहीं पे चले। कृष्णदास जी ने कहा क्या हो गया भाई, क्या भूल गए, कोई चीज रह गई आपके पास है ही क्या, कुछ दो चीजें वो तो मैं पकड़ के चल रहा हूँ, तो चल फटाफट चलो जल्दी से। भागते हुए बोलते वहां पे आए, कूर्मा ब्राह्मण बाहर बैठे थे, उन्होंने देखा सोने की आकृति सी आ रही है, उन्होंने कहा अरे वासुदेव धन्य है तुम्हारी आर्थ पुकार को, क्या पुकारा तुमने, वो तुम आ गए साक्षात हरि आ गए। वासुदेव बोला नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, मेरी पुकार पे कैसे आएंगे। बोले हाँ आ गए आपकी पुकार पे, तुरंत वहां से आए जो वासुदेव थे वो छुप के अंदर कमरे के अंदर चले गए। अरे मैं तो उनके केवल दर्शन करना चाहता हूँ, मैं दूर से ही करना चाहता हूँ, मेरी ऐसी दुर्दशा उनको दिखे ना। कमरा बंद करके थोड़े से एक झरोके से देखने लगे, वो कूर्मा ब्राह्मण के पास आए और आते ही श्रीमन महाप्रभु ने बोला वो वासुदेव कहाँ है जो आपके पास आया था, जो मुझे पुकार रहा था। उन्होंने कहा धन्य हो ठाकुर, आप कोई संदेह अगर किसी को रह गया हो कि आप भगवान हो तो आज ये बात सुन के सबका नष्ट हो जाए। उन्होंने कहा समय नष्ट मत करो, मैं बड़ी जल्दी में आया हूँ, मैं बहुत आगे निकल गया था, बताओ वो कहाँ है वासुदेव। उन्होंने कहा वो वहाँ है। उन्होंने कमरा बंद कर लिया, अरे मैंने आपके दर्शन कर लिए बस, अब आप जाओ, आप जा सकते हो, बस इसी के लिए बुलाया था दर्शन करने के लिए। ठाकुर जी ने कमरे का दरवाजा खोला और आलिंगन वासुदेव को, वासुदेव रोते रहे, अरे तो ये क्या कर रहे हो आप, मेरी पस निकल रही है, मेरी बड़ी बुरी दुर्गति है, आप मुझे छोड़ दो, धक्का मारे उनको आप मुझे छोड़ दो। बोले इतने जोर के धक्का मारा, श्रीमन महाप्रभु भी हट गए और हट के फिर जोर का आलिंगन किया। बोले प्रभु क्या आप मेरे रोग नहीं देख पा रहे हो, क्या आप ये क्या कर रहे हो मेरे साथ, मेरी कौन सी गलती की सजा दे रहे हो इस प्रकार से, अरे लोग क्या कहेंगे, वासुदेव कितना स्वार्थी है ठाकुर जी के लिए कर रहा है, आप ऐसी पीड़ा ना दो मुझे, मुझे जो पीड़ा हो रही है उससे कई गुना ज़्यादा पीड़ा आज आप दे रहे हो ये करके। बोलते श्रीमन महाप्रभु ने अपने से अलग किया और बोला कि कहाँ है तुम्हारा मवाद, कहाँ निकल रही है पस, क्या है तुम्हारे शरीर में, देखो तो, देखा तो स्वर्ण सा शरीर चमक रहा उनका। बोले आप ये क्या कर रहे हो, मैंने अपना रोग हटाने के लिए आपको नहीं बुलाया था, हरि जानते हैं साक्षात, आप जानते हो मेरे हृदय की पुकार, मैंने इस रोग को, उसको लगा शायद मेरा यही फल है भगवान के दर्शन का कि आप मेरा रोग हटाने के लिए तो नहीं आए थे ना, मैंने रोग हटाने के लिए नहीं बुलाया था। बोले मैं जानता हूँ आपने रोग हटाने के लिए, अगर रोग हटाना होता तो वो तो मैं वहाँ से भी हटा सकता था, मैं आपका रोग नहीं हटाया, आपके हृदय में ये जो प्रेम आया है इस प्रेम का अब सर्वत्र आप प्रचार करो। तो वो कूर्मा ब्राह्मण और वासुदेव को श्रीमन महाप्रभु ने साक्षात ड्यूटी दी कि अब आप इस पूरे प्रदेश में रोज संकीर्तन करो, संकीर्तन फैलाओ, भगवान का हरि नाम किया करो। और तब से बोलते हैं वो कूर्मा देश में कूर्मा ब्राह्मण और वासुदेव ने रोज संकीर्तन करके आसपास के गाँव इधर उधर सब जगह संकीर्तन आनंद। तो आगे फिर श्रीमन महाप्रभु श्री वेंकट भगवान के पास गए तिरुमल में, जो तिरुपति बालाजी है, उनकी चर्चा हम फिर अगली बार करेंगे। जय माता दी।